तो ये चीज़ हमारी इम्पोर्टेंट हो गया। तो इसी पे एक जिस तरह से स्ट्रेन डायग्राम हमारा तैयार होता है, उसी के हिसाब से हमारा क्रीप डायग्राम भी तैयार होता है, जिसको बोलते हैं क्रीप कर्व। ओके, इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म हो, उसमें तीन डायग्राम हमारे लिए बहुत बेसिक होता है। इसमें देख लेते क्या होता है। ये हुआ जैसे कोई मटेरियल को हम एक कांस्टेंट लोड दे के छोड़ देते हैं। ओके, तो ये मेरा हो गया टाइम, यहाँ पे देखो कर्व हो गया, पर टाइम पर डिपेंड कर रहा है, और प्लस यहाँ पे स्ट्रेन। तो टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन इज कॉल्ड द क्रीप। तो जीरो से ए लेके, मान किसी भी एक लोड हम ले लेते हैं, लोड को फर्स्ट टाइम जब हम लोड देते हैं इसके ऊपर में, तो इसमें एक इंस्टेंटेनियस एलोंगेशन हो जाता है ओ से ए। उसके बाद में कोई भी एलोंगेशन नहीं होता है। अब क्या है कि एक टाइम को हम छोड़ देते हैं लंबे समय तक, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने तक तो छोड़ देते हैं। तो देखा जाता है कि फर्स्ट स्टेज जो होता है इस मटेरियल में थोड़ा सा स्ट्रेन पैदा होता है लंबे समय तक के लिए। सेकेंड स्टेज पैदा कि फिर इसमें स्ट्रेन बहुत कम पैदा होता है, और फाइनली इस मटेरियल में एक रैप्चर पैदा हो जाता है, जो कि ब्रेक जो है टूट जाता है, फ्रैक्चर पॉइंट डी। ये जो मटेरियल में जो हो गया टू जो एयर फॉर्मेशन जो हो गया टू ए टू बी, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज। ओके, इसमें हमारा जो मटेरियल जो होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ इस मटेरियल में हमें लगता है, और द मेटल, क्योंकि इसमें ये मेटल में जो मटेरियल का जो मटेरियल प्रॉपर्टीज होता है, जिसको बोलते हैं हार्डनेस प्रॉपर्टीज, हार्डनेस वो हार्डनेस को चीज़ को एक्सटर्नल रोड से उसको रोकता है, ताकि ये मटेरियल टुकड़ नहीं हो सके। इसलिए वो मटेरियल में धीरे 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 जो ये जो कर्व हुआ तो जो तेज़ी से बढ़ता है, उसको हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे हल्का सा मटेरियल में थोड़ा सा स्लोप डाउन हो जाता है, क्योंकि इस मटेरियल में हार्डनेस बढ़ जाता है। हार्डनेस होने के चलते इस मटेरियल में हमारा मटेरियल स्ट्रांग हो जाता है। जब भी ज़्यादा मटेरियल वर्क करता है, तो हो सकता है इस मटेरियल के अंदर कुछ कुछ वॉइड्स पैदा हो जाता है, कुछ कुछ मटेरियल के अंदर ऐसे मेजर पोर्शंस पैदा हो जाता है, जिसके चलते इसमें हम डिसलोकेशन, मतलब कि मटेरियल में हमारा डिसलोकेशंस रुकता है। लेकिन जैसे थर्ड ने पूछता है, तो इस मटेरियल में डिसलोकेशन पैदा होना शुरू हो जाता है। तो ये मटेरियल कॉमन है सभी मटेरियल के लिए, कि पहले इंस्टेंटेनियस एलोंगेशन होता है, उसके बाद फिर पहला स्टेज होता है जब लोड देते हैं टाइम के साथ, तो मटेरियल में हल्का हल्का स्ट्रेन पैदा होता है। ओके, फिर थर्ड जो होता है बी से सी, ये सेकेंड स्टेज कहलाता है, जिसमें ज़्यादा सा मटेरियल हमारा लंबे समय तक ये रहता है। इसके बाद थर्ड स्टेज में हमारा मटेरियल कम समय तक रहता है, और यहाँ से हमारे मटेरियल में मोबाइल डिसलोकेशन, जो मटेरियल जिसका एटम का अरेंजमेंट होता है, वो डिसलोकेशन होना शुरू हो जाता है, इसके चलते ये मटेरियल में ब्रेकिंग पॉइंट हो जाता है। तो एक तरह ओवरऑल ये मेरा एक तरह का स्क्रिप्ट है, और ये चीज़ को हम एक्सपेरिमेंट करके चेक करते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि इसको हम रैंडम बना दिए, हर मटेरियल के लिए जो ये स्टेप है ये अलग अलग हो सकता है, मॉर्फोलॉजी में ये जो डायग्राम है ये थोड़ा सा अलग स्लोप बन सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट करके हम लोग हर मटेरियल का चेक करके, वो भी ये एक्सपेरिमेंट 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं होता, एक्सपेरिमेंट को टाइम डिपेंडेंट है, तो ये कई महीनों या कई 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 सालों तक ये एक्सपेरिमेंट होता है उस मटेरियल का। हम लोग क्रिप चेक करते हैं कि कौन कौन केस में उसका क्रिपिंग होता है कि नहीं होता। तो ये हमारा मटेरियल एक तरह का सिंपल डायग्राम था। और नेक्स्ट जो है वो मेरा स्ट्रेस कंसंट्रेशन का मेरा बयान। स्ट्रेस कंसंट्रेशन हल्का सा व्यू देंगे उसके बाद, जैसे कि हम सिंपल जानते हैं कि किसी भी मटेरियल के लिए जो बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन जो यूज़ होता है हम लोग का है, वो तीन इक्वेशन यूज होता है, जैसे फॉर द नॉर्मल स्ट्रेस,
पी बाय एरिया, बेंडिंग स्ट्रेस, एंड टॉर्जन शीयर स्ट्रेस, ये तीन स्ट्रेस यूज करते हैं। ये जो कि तय का बोल सकते हैं एक तरह का फंडामेंटल इक्वेशंस हुआ। ओके, ये तीनों तो क्या मेरा फंडामेंटल इक्वेशंस है। लेकिन इस तीनों फंडामेंटल इक्वेशंस को जब लाया गया था, जिसको जब डेरिवाइट किए थे, जो जिसको डेरिवेशन किया गया था, इस तीनों में एक कॉमन चीज गया था कि क्रॉस सेक्शन एरिया इज यूनिफॉर्म। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या था मेरा, एक यूनिफॉर्म माना गया था। लेकिन प्रैक्टिकल और रियल केस में कोई भी मटेरियल क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म नहीं होता है। मे भी हो सकता है कुछ मटेरियल में कुछ कहीं से वाइड्स पैदा हो गया होगा, कुछ डिज़ाइन के हिसाब से जैसे थ्रेड, स्क्रू, सोल्जर्स, कीज, प्लेन्स, ग्रूप्स, होल्स, ये सब भी हमारे मटेरियल के अंदर रहता है। एग्जांपल हम क्या बताना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक हम एक मटेरियल बनाए हैं। ओके, अब यहाँ देखो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। ओके, लेकिन अचानक जैसे ही यहाँ पे पहुँचा तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, स्मॉल ए हो गया। मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, अचानक रिड्यूस हो गया। तो अब यहाँ पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होता था वो ये पी बाय ए होता था। तो अब यहाँ पे स्ट्रेस क्या पैदा होगा, नॉर्मल स्ट्रेस वो होगा पी बाय स्मॉल ए। तो एरिया यहाँ पर छोटा हो गया है, एरिया पे छोटा हो गया तो मतलब क्या हो गया है, मतलब कि स्ट्रेस यहाँ पे ज़्यादा पैदा हो जाएगा, यहाँ पे भी स्ट्रेस पैदा कम छोटा पैदा होगा। उसी तरह से एक हम मेटल ले लेते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दिया, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया में स्ट्रेस क्या होगा, यहाँ पे मेरा स्ट्रेस क्या होगा। तो अचानक देखो कि यहाँ पे स्ट्रेस अचानक मेरा बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे इतना ये होल है तो इसका तो यूज नहीं होगा, तो मैं क्रॉस सेक्शन एरिया इसी को काउंट करेंगे हम लोग। इस होल को अगर हम लोग ऐसे मान लें, यहाँ पे एक होल हो गया है, तो यहाँ तक तो नॉर्मल मेरे एरिया कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, अचानक क्या हो गया यहाँ पे एरिया क्या हो गया, घट गया, तो यहाँ पे स्ट्रेस अचानक बढ़ गया। तो इसी को बोलते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन, मतलब अचानक स्ट्रेस में एड्रप्ट चेंज हो जाना, रैपिड चेंज हो जाना, एक कांस्टेंट स्ट्रेस यूनिफॉर्म ना होकर अचानक किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में अचानक चेंज हो जाना, इसी को बोलते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ओके, तो आज का यहीं पे टॉपिक ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट जब आएंगे तो इसी को हम आगे करते हैं, क्या रीज़न हो सकता है, कैसे इसको हम रिड्यूस करते हैं। ओके।